जाहिर करना चाहिए. आई थिंक आई शुड नॉट बॉक सो मच. आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी इन द मीडिया. एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर. शी इज मेकिंग अ ह्यूज हॉस्पिटल इन नवी मुंबई. एंड उससे मैं बात कर रहा था तो वी नीड अ लॉट ऑफ बैकिंग फॉर दैट टू मेक दैट होल हॉस्पिटल. सो आई थॉट दिस इज अ ग्रेट प्लेस वेयर आई कैन टॉक अबाउट दैट एंड फॉरगेट अबाउट माय फिल्म दैट I pledge that I will give as much support as I can. If I think honestly, I think the most important thing in life is to think positive, and that's my success. That's my way of thinking and leading my life. I've always done that, and a lot of people who from the industry knows me very well. They know it that I don't have a backbone or even a single bone, which is. Based on negativity, and that is what has been keeping me up to this mark, and that's all. जी हाँ, मेरे पास दो जर्मन शेफर्ड हैं और वो जर्मनी से नहीं हैं और मेरे पास वो दोनों जो हैं. I'll tell you something. बहुत अच्छी बात पूछी आपने. मैंने पहला अपना डॉग जब लिया था when my son was born. And I must give this one thing which I learned. There's not even one single day when Oki, that's my dog's name, he's always taken great care of my son. Aisa kabhi nahi hua jab wo bahut chota tha tab se wo uske sath khelta hai. Amazing how they know everything, who their person is, they have to take care of. And zindagi mein matlab if Oki was at home along with my son, there was nothing to worry about. Matlab aise kehte hain ki हर आदमी की ज़िंदगी में बीवी ज़रूरी होती है, बच्चे ज़रूरी होते हैं, काम ज़रूरी होता है. बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ही लर्न्स अ लॉट. ही शुड हैव अ पेट. दैट्स द मोस्ट. बहुत ही आश्चर्य की बात है, आप फिल्मों की चीज़ें बहुत सीरियसली लेते हैं और मजाक को मजाक नहीं समझते. आई एम श्योर आप शादीशुदा हैं. नहीं है तो फिर आप अगर सीरियसली ले रहे हैं तो भगवान की कसम है आज शादी मत करना बेटे. ऐसे कुंवारे रह जाना तो काफी पुरानी है. इसे मजे के तौर से लीजिए और एंजॉय करिए, ना कि सीरियस हो जाइए इसके बारे में. बाजू में और पूछा आपने. एक ही चीज बोलना चाहता हूँ जोक्स असाइड. फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि अक्षय एज एन एक्टर हम लोग कई साल से देखा, बट काम करते हुए अक्षय एज एन इंसान पहली बार देखा. एंड बिहेवियर की बात नहीं होती, ग्रेट ह्यूमन बीइंग. ऐसा नहीं कि अब हमारी फिल्म की है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. डॉग को लेके मैं बात करता हूँ, जब भी डॉग का शॉट होता था तो सबको एक्टर्स को आई एम सेइंग कृष्णा सोनो भाई प्रकाश जी अक्षय सब लोग पहले से तमन्ना यू ऑल्सो सब लोग पहले से हम लोग खड़े हो जाते थे और यू नो एवरी वन यूज टू रिहर्सल बी रेडी फॉर द डॉग एंड द डॉग वॉज द लास्ट पर्सन टू बी वॉटिंग. तो वो आता था मैजिस्टिकली. Instead of feeling jealous about the dog, people were happy. Or short mind blowing out. इससे बड़ा behavior क्या हो सकता है? This is the best friend. That's what they always say. I think man's best friend is dog. I think ये जो statement itself है, you will understand it. कि कितना भारी statement है. और इसके अंदर हम अपने तुलना इंसानों के साथ नहीं कर सकते. हम अपनी तुलना अगर हमारे साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर एक आदमी की ज़िंदगी में एक पेट होना बहुत ज़रूरी है, उससे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. तो मेरी जब फिल्म का जब पैकअप हुआ था, हमने सारी शूटिंग काफ़ी शूटिंग बैंकॉक में की है और इट वाज वेरी हार्ड टू लीव द होल फिल्म दैट डे बिकॉज वी न्यू दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी मीटिंग द मेन हीरो ऑफ द फिल्म. एंड दिस इज द फर्स्ट फिल्म जहाँ मैं लोग जब पिक्चर देख के निकलेंगे ये नहीं कहेंगे कि यार गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू से दे आर नॉट गोइंग टू बी गागा ओवर मी, दे आर गोइंग टू बी फॉल इन लव विद द डॉग मोर देन मी. एंड आल्सो सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो. मतलब मेरी केमिस्ट्री डॉग के साथ ज़्यादा थी. सॉरी तमन्ना. सो इट वॉज सो मच फन. सो दैट्स इट. दिस फिल्म एंटरटेनमेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ द सोल ऑफ द फिल्म. जब Sajidin Farhad narrated the script, and in my career of 300 films, I have never felt so. I heard a script which was so endearing, and so beautiful. And all actors used to stay on the door; entertainment used to come. It is not that we were waiting for it, because we were waiting because the soul of the film
the way they told the story, and it's a very different film which touched us. I think it brought the child in us. If you see a Lion King, and if you can believe, a lion can talk. And I think this is how you have to see this film. It was a pure fun, and it was the whole pureness of the script which is a joy. So I see your dialogues, it's just a rip-pickling, funny, barking lines. But then the film is beyond that, and I'm really proud. I think I'm sure that all of us are really proud to be associated with a film where it is such an unlearning process. I wouldn't ever call that dog a dog. I think he is my co-actor and he was wonderful. जो भी मैं करना चाहता हूँ, मैं prefer करता हूँ कि मैं comedy करना चाहता हूँ, फिर मैं ये film में action करना चाहता हूँ. फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट एवर आई सिलेक्टेड बिकॉज नो प्रोड्यूसर कैन पुट अ गन ऑन माई हेड एंड से यू हैव टू डू इट. दे कम आउट विद द रोल्स एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट एंड वॉट टाइम आई वॉन्ट टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड दैट इज ऑल. ऑब्वियसली माई सीन्स वर मोर विद अक्षय, सो आई थिंक आई हैड गुड केमिस्ट्री विद अक्षय एंड आई एंजॉयड एक्टिंग विद हिम, आई एंजॉय परफॉर्मिंग विद हिम बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. ही कैन टेक अ वेरी सिंपल सीन एंड मेक इट एक्स्ट्रॉर्डिनरी. He's an actor who's gifted with that. And as this entire conference was starting with the fact that how he... I'm actually worried about Akshay because he doesn't seem to grow old. And that is something of my serious concern. I just want to know how that happens. So anyway, that is one thing. And well, for me, this film was actually a life-changing film because after I worked in this film, I went and I got myself a puppy. So for me, my entire... you know, the way I look at having a pet at home has changed, and now I actually have one at home. So it's like it has changed my world, and it's an amazing experience to have a puppy at home. It makes the whole house very lively, and I feel like a kid again. So thanks to Its Entertainment and the entire team to make me realize such a beautiful thing in life. I like seeing films, and I see them mainly on TV. I hardly ever go out. But the film that I liked recently, which I saw, was something called The Insider. And that's actually about the tobacco industry. So it was a good film. You know, there's been, we went to court and we approached the government and we made a whole lot of rules for the film industry regarding their use of animals. And until these rules were made, jab tak ye kanoon bane the, tab tak, right up to camels, horses, dogs, about 8 tigers died, and it was a very for a hospital. And we've been doing a great deal of work in Bombay, especially with the horses and with Crawford Market, and of course with the cows that come illegally to Deola for slaughter. Anyway, that is in its place. I'm here today for a movie. I think it's really fun to have animals in a movie, but responsibly done. When we made the laws several years ago, the whole film industry was really upset, and I think there must be about a million jokes about how awful I was. It was rather fun, also, but I'm glad that this, you know, at some point in this film there will be a bonding between the hero and the dog. I wish the movie all success, and I look forward to hosting it in Delhi.